ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृता। नारायण नमस्कार देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नष्टिके भक्तिर्भवति श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 53 एवं 54 53 एंड 54। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान श्री भगवान उवाच। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः आततायैव धारणम्। मय्येवो भयं मां नातम् परिपाह्यानुशासनम् गुरु प्रतिश्रुतं सत्यम् यत्तत् सन्तत्यताप्रियाम् भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च हरे कृष्ण। बोलिए प्राण प्राण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारणा मैं वो यमात्मनम् मयोभ्यम् आमनातम् परिपाह्यानुशासनम् परिपाह्यानुशासनम् गुरु प्रतिश्रुतं सत्यम् गुरु प्रतिश्रुतं सत्यम् यत् सत्यसंतत्यताप्रियम् प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या महिमेव च हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच।
श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्य आतताई मयाभ्यात्मनातम् परिपायनुशासनम् परिपायनुशासनम् कुरुप्रतिश्रुतं सत्यम् कुरुप्रतिश्रुतं सत्यम् यत् तत् सन्तयाता क्रियाम् यत् यतत् सान्त्यत्य यताप्याम् प्रियं च भीमसेनस्य प्रियं च भीमसेनस्य पञ्चाल्या महीमेवम च पञ्चाल्या महीमेव च अनुवाद अनुवाद प्राण मोहन प्रभु जी पढ़ेंगे और तात्पर्य नंद किशोरी माता जी पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्री ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की तात्पर्य। अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवदान भी ब्रह्मा बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे तत्व के रूप में अश्वत्थामा बाध्य नहीं था, किंतु किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के आयोग पुत्र का क्या करना। असली ब्राह्मण थे लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे इसलिए मारे गए, पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है कि यदि आतताई हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को संतावना दिया था और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। तो हम लोग विगत एक महीना से ये द्रोण पुत्र को दंड वाला जो अध्याय है इसको हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि द्रोण पुत्र को क्यों दंड मिला। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण
सब कुछ क्लेरिफाइड कर दी। तो इससे पहले जो कुछ भी हम लोग कल जो कुछ डिस्कस किए थे, हमारे बीच में विश्वनाथ प्रभु जी आए, 2 मिनट लेट हुए प्रभु जी, अन्यथा श्लोक एक सब पाठ हो जाता, ओनली 2 मिनट लेट। तो चलिए प्रभु जी से हम लोग कल के क्लास का ओवर व्यू थोड़ा श्रवण कर लेते हैं, फिर आज के ये का डिस्कस करें। पढ़ा भी नहीं कल, देखा भी नहीं यूट्यूब। ओ अच्छा, कल यूट्यूब देखा नहीं, मैं तो अभी अभी आया। अच्छा अच्छा, अभी अभी आए ऑफिस से, ठीक है। तो नंदकिशोरी माता जी, आपका अगर कुछ स्मरण रहे कल की क्लास में तो थोड़ा बोलने की चेष्टा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी कृष्णा अर्जुन अर्जुन को नकुल 50 श्लोक में है कि नकुल सहदेव को बुलाया गया थी है और नहीं सहमत है, तब कोई द्रौपदी के कहने के अनुसार सहमत हुए, लेकिन उसके बाद से भीम को बुलाया गया तो भीम एकदम ही नहीं सहमत थे कि द्रोणाश्वत्थामा 5 बच्चे को मार करके मारा है, इसलिए उसको बचना नहीं चाहिए। और ये भीम का मतलब भीम का ये था माने उनका प्रस्ताव था कि हम माने भीम ये अश्वत्थामा को मारना ही चाहिए, लेकिन ये युधिष्ठिर जो थे वे तो राजा ही थे, उनके वे भी द्रौपदी के कहने के अनुमोदन कर रहे थे कि नहीं द्रोणा पुत्र के अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए, ये ब्राह्मण के माने द्रोणाचार्य ब्राह्मण के लड़के हैं। और भी है प्रभु जी, उतना सीरियल नंबर से याद नहीं आ रहा। चलिए बहुत सुंदर बोले माता जी। प्राण मोहन प्रभु जी, देवघर में शायद ठंडा पड़ गया है, तो आप थोड़ा बोलने की कृपा प्रदान करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब अश्वत्थामा को अर्जुन पशु की तरह बांध करके जब सभा में ले गया द्रौपदी, तो उनको मारने से कर दी, क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र थे और उनके अर्जुन के युधिष्ठिर के सभी 5 पांडवों और कौरवों के गुरु थे, इसके चलते वो मारने से मना कर रही थी। दूसरी बात कि जब उनका 5 पुत्र मर गया, तो 5 पुत्र मर गया तो उनको कितना द्रौपदी को इसके लिए दुख है, कितना आंसू वो बहा रही है, ये उनको मालूम है। और मान लीजिए अश्वत्थामा को भी यदि मार दीजिएगा तो उनकी माता जो बची है कृपी, तो कृपी को कितना तकलीफ होगा, जिस तरह हमको तकलीफ हो रहा है उस तरह उनको भी तकलीफ होगा। तो पुत्र के मरने का दुख क्या होता है वो द्रौपदी जानती थी, इसलिए भी वो जो है मना कर रही थी। बहुत सुंदर प्रभु जी, और कुछ बोलना है? नहीं हो रहा है और आगे। ठीक है, बहुत सुंदर।
तो इस प्रकार विभिन्न भक्तों का, विभिन्न व्यक्ति विशेष का अलग अलग चिंतन, अलग अलग सबका मत को देखकर भगवान श्री कृष्ण क्या किया, भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज नारायण मतलब सबका, मतलब अर्जुन, द्रौपदी, भीम एवं अन्यों के वचनों को सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन की ओर देखते हुए भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। यहाँ हम लोग कल लास्ट किए थे, तो भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। ये कौन किसको बोल रहे? सौनक ऋषि को, सौनक आदि ऋषिगण को, सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के तट पर ये श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे। गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को बता रहे कि इस प्रकार जब सभी ने अपना अपना मंतव्य प्रस्तुत किए, सभी ने अपना अपना टीका टिप्पणी किए, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन की ओर देखने के बाद उन्होंने क्या किया, बोलना प्रारंभ किया। बोलना प्रारंभ किया मीन्स अब वो जजमेंट देंगे। भगवान श्री कृष्ण अब दोनों वकीलों को सुनकर अदालत में अब वो जजमेंट करेंगे। तो ये जो आज का हमारा जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय का श्लोक संख्या 53, 54, 54, 53, 54, तो ये जो श्लोक है आज भगवान बोल रहे हैं कि श्री भगवान वाच ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहना मये वो भयम मामनातम परिपह्यानुशासनम गुरु प्रतिश्रुतम सत्यम जत्तत शांतयता प्रियम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्यमयमेव च। तो ये है आज का हमारा श्लोक। क्या बोल रहे भगवान श्री कृष्णा? विश्वनाथ प्रभु पढ़िए, पढ़ पाएंगे? देखता हूँ। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्मबंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचनों भी पूरा करनी है और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर तीन चीज पॉइंट आउट की। पहला क्या कि देखिए अर्जुन, बात यह है ना চলে আসুন, ওই দেখুন এড্রেস দিয়া আছে, গিরিরাজ অ্যাপার্টমেন্ট, থার্ড ফ্লোর, লিফটে উঠে যান, 3 নম্বর তাও। तो भगवान श्री कृष्ण कितना पॉइंट ये किया कि पहला चीज देखो अर्जुन, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, पहला चीज कि किसी भी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, ना ब्राह्मण का ना ब्राह्मण बंधु का, पहला चीज। किंतु यदि वो आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। देखिए भगवान कृष्णा कैसे पेचीदा पांचीदा अभी बात शुरू करें, अभी तक तो सुने, यही होता है कि जज का कमाल, जो जज होता है ना वो कुछ भी नहीं बोलता, ये कुछ बोलता है वो कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है वो, ये दलील पेश करता है वो, प्रूफ दिखाता है वो, करता है ये करता है, लेकिन
जज सब एकदम गंभीर होके बैठता है। तो ये कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन देता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार सुना। तो पहले पहल शास्त्र में क्या है बात कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, किंतु शास्त्र में यह भी कहा गया है कि अगर वो आता था ही हो तो मारना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि मल को छूने से हम लोग को गंगा स्नान करना पड़ेगा, मल मतलब स्टूल लेटरिंग बाथरूम, हम लोग को स्नान करना पड़ेगा। तो शास्त्र में यह भी कहा गया है कि गोबर को छूने से अपवित्र हो जाएंगे। व्हाट दिस, ये क्या है? गोबर भी तो मल है, लेकिन वो है गाय का मल। गोबर भी एक पशु का मल है, तो मनुष्य का मल या कोई भी कुत्ता का मल अगर हम लोग स्पर्श करते तो स्नान करते अपने आप को पवित्र करने के, ठीक है? और गोबर को अगर हम लोग वहां पे लेप देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। इसका मतलब शास्त्र में दोनों चीज वर्णन। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है, अल्टीमेटली ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए। और शास्त्र में यह भी कहा गया है अगर वो आतता ही हो तो उसका वध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सेकंड पॉइंट क्या बता रहे हैं? सेकंड पॉइंट बता रहे हैं कि ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं। क्या? कि मारना या ना मारना, तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे कि मेरे आदेश का पालन नहीं करना है तुम्हें, कि मैं बोल रहा हूं तुम इसे मारो, बल्कि शास्त्र का जो आदेश है वो उसको तुमको पालन करना है। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। चार पॉइंट इस श्लोक में, चार पॉइंट है। द्रौपदी को क्या वचन दिए थे जाने के समय? विश्वनाथ प्रभु क्या बोले थे जब अश्वत्थामा को भगाने के लिए उनके पीछे पीछे क्या बोले थे? और उसको मार के लेके आएंगे, पकड़ के लेके आएंगे, उस तुम उसका ऊपर खड़ा होके नहाओगे, तुम्हारा पुत्र का दाह करके आओगे, उसका बाद तुम उसका सिर पे खड़ा होके नहाओगे, नहा के तुम्हें शुद्ध हो। हाँ, तो ये है प्रतिज्ञा, ये द्रौपदी को दिया गया वचन। दूसरा क्या है? भीमसेन उनका भाई है, उनका भी, उनको भी तुष्ट करना है। और साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण क्या बोले कि मेरी भी संतुष्टि करना है, कि मैं क्या चाहता हूं। द्रौपदी चाहते हैं मत मारो, भीम चाहते हैं मारो, नकुल सहदेव चाहते हैं न मारो, हाँ भगवान श्री कृष्ण बोलते मारो। तो अभी हर चीज का आपको कंक्लूजन निकालना है अर्जुन, अभी आपको क्या करना है। तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य में इस संबंध में बहुत ही गंभीर विषय का उल्लेख किए है कि अर्जुन असमंजस में था। असमंजस मतलब क्या करूं या ना करूं। असमंजस में व्यक्ति पूरी तरह से विभ्रमित हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, मारना चाहिए या नहीं। और अर्जुन के जीवन में असमंजस पहले से ही है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी वैसा ही हुआ ना, कि मामा को मारना, चाचा को मारना, भतीजे को मारना, साला को मारना, इसको मारना, उसको मारना, गुरु को मारना, ये को मारना, असमंजस में अभी क्या करें? कृष्ण की बात को माने या रिलेशनशिप को दिखे? तो इस प्रकार अर्जुन अभी पूर्णतया असमंजस में है। तो क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। देखिए, एक ही पैराग्राफ में दो चीज, शास्त्रों के अनुसार अश्वत्थामा का जीवन दान भी मिलना था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि उनका गुरु का पुत्र है और गुरु का प्रतिनिधि है, मीन्स गुरु है, इसीलिए उसको जीवन दान मिलना था और साथ साथ में आतती होने के कारण उसको मरना भी था। तो अर्जुन पूर्णतया असमंजस में है, क्या किया जाए क्या नहीं करे।
तो ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम में पुत्र के रूप में अस्वस्थमा बद्ध नहीं था, किंतु साथ ही वो आतताई भी था। तो मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयज्ञ पुत्र का क्या कहना बद्ध होता है। शास्त्रों में क्या बताया गया है कि अगर कोई आतताई है, मनु द्वारा निर्दिष्ट अनुसार अगर कोई आतताई है तो ब्राह्मण ही क्यों ना हो उसको वध करना चाहिए, लेकिन ये तो ब्राह्मण नहीं, ये तो ब्रह्म बंधु है। कितना सुंदर पॉइंट आउट है कि अगर कोई आतताई, आतताई तो हम लोग समझ गए, एक वर्ड में हम लोग समझ पा रहे हैं आतताई मतलब जो घर में आग लगाना, दूसरे का संपत्ति हड़प लेना, छोटे बच्चों को मारना, निहत्थे को मारना, तो ये आतताई 6 प्रकार के होते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि आतताई, अगर ब्राह्मण भी आतताई हो तो उसको मानना चाहिए, अरे ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो ब्रह्म बंधु है, मतलब ब्राह्मण का कुछ क्वालिटी नहीं है, इसके लिए इसको मारना है। ये किसके अनुसार? मनु के निर्दिष्ट अनुसार, ठीक है। तो द्रोणाचार्य निषिद्ध असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे इसीलिए मारे गए। युद्ध भूमि में डटे थे मतलब भगवान श्री कृष्ण बहुत समझाया, कौरव को भी समझाया, दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया, पूरे कौरव सभा को समझाया, लेकिन द्रोणाचार्य अगर ब्राह्मण होते, सच्चा ब्राह्मण, तो भगवान कृष्ण की बात को मानते, लेकिन वो नहीं माने। दैट मीन्स वो डटे थे, इसे धृतराष्ट्र डटे थे, वैसे धृतराष्ट्र के पास कुछ क्वालिटी नहीं है, कुछ क्वालिटी नहीं है राज्य को चलाने का, संचालन करने का, देश को शासन करने का, लेकिन फिर भी डटे थे। तो उसी प्रकार द्रोणाचार्य क्यों मारे गए? क्योंकि वो डटे हुए थे। डटे हुए मतलब एग्जाम्पल क्या दे? एग्जाम्पल विभिन्न क्षेत्रों में है। ब्राह्मण को भी मंजूदोरी ने कितना समझाया कि देखो आप उनको सीता को लौटा दो, क्योंकि भगवान नारायण साक्षात राम के रूप में ही धराधाम में अवतीर्ण हुए और उनकी धर्म पत्नी है सीता और वो आपके राज्य में है, तो अगर आप उसे वापस दे देते हैं तो शायद भगवान आपको क्षमा करें। तो रावण क्या था? डटे थे पूरा कि नहीं लंकापति राजा रावण किसी के चरण में झुकते नहीं, तो कौन ऐसी शक्ति है, किसकी ऐसी शक्ति कि मुझे झुका सके। लक्ष्मी देखो तो एक नंद किशोरी माता, ये थोड़ा कीर्तन कीजिए, हाँ कीर्तन कीजिए 2-5 मिनट के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम।
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गीता माता जी हरे कृष्णा गीता माता जी हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी पांच मिनट समय है ये मीटिंग एंड होगा तो आप जो और भी बना के लाए हो थोड़ा बोलने की कृपा करें उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में हाँ बिल्कुल ठीक है हाँ ठीक
ठीक है। हरे कृष्णा, कल हम लोगों ने जो पढ़े थे सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। पहले 145वां श्लोक जो अपन ने पढ़े थे ना, तो शास्त्रों के अनुसार जो पति परायण स्त्री है अर्धांगिनी होती है, यदि वह निसंदान हो तो अपने पति के साथ सती हो सकती है स्वेच्छा से, लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी जो थी वो पुत्रवती थी, इसलिए उनको ऐसा यानी कि सती होने की होने होना नहीं पड़ा, सती होना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि पुत्रवती विधवा, पुत्रवती जो विधवा नाम के लिए विधवा होती है, हर प्रकार से अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था, अतः अश्वत्थामा का वध करना यानी द्रोणाचार्य का वध, यानी द्रौपदी का यही तर्क था ना कि अश्वत्थामा का वध ना करें। तो वो श्लोक में 45वां श्लोक में स्पष्ट हो गया था, द्रौपदी मतलब इतना मृदु स्वभाव की नारी थी उनका स्वभाव। फिर 46वां द्रौपदी जो युधिष्ठिर से क्या बोलती है, आप किसी पूज्य तथा वंदनीय या गौरवशाली परिवार के सदस्य के दुख यानी कि या शोक जो है ना उसका कारण मत बनना, क्योंकि कल जब लोग सुनेंगे कि आप तो कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त थे, फिर भी आपने उनको गुरु पुत्र क्योंकि गुरु की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि गुरु भी आज वो इस उनके देह में नहीं है, मतलब वो उनका देह ये मतलब गुरु पुत्र अर्थात गुरु तुल्य का वध करेंगे करके। द्रोणाचार्य तो युद्ध में क्या बोलते उनको हो गए, तो उनके पुत्र जो है उन गुरु तुल्य रहेंगे, पिता के स्थान को प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इसलिए हमको उनको भी गुरु जैसे ही मानना है। फिर मतलब कहने का मतलब यह है कि जो द्रौपदी ने जो कहा है वो भावपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ा बताया, उसके इसमें तथ्य है। वो द्रौपदी जो मृदु स्वभाव की थी, मृदु था तो भी उनको जो बात जो किए थे वो तथ्य रूप में कहे थे, प्रमाणित करती क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को लोग सुनेंगे अपना जो भागवत तो उसमें ये रहेगा कृष्ण का इतना सुंदर भक्त होने के बाद भी गुरु के तुल्य गुरु के पुत्र को वध कर दिया, तो वध का जो दुख शोक है वो तुम अपने नाम पे मत लिखो उनको वध करके। तो द्रौपदी फिर क्या बोलती है 47 इसमें, युधिष्ठिर को क्या बोलती है, हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान रुलाओ मत, तो मैं जैसे अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही हूँ वैसे द्रोणाचार्य की पत्नी को नहीं विलाप कराओ, क्योंकि ममता एक माँ दूसरी माँ को जानती है कि ममता क्या होती है, पुत्र नहीं रहने से एक माँ को कितना दुख होता है। तो समाज में जैसे चार वर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो जो अश्वत्थामा जो थे वो ब्राह्मण वर्ग से थे, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा ब्राह्मण वर्ग थे, दुर्योधन अर्जुन ये लोग सब क्षत्रिय वर्ग के थे, तो युधिष्ठिर कौन थे, यमराज धर्मराज के पुत्र थे, तो वो धर्म को अपनाते थे। तो जो द्रौपदी जो बात बोलती है वो सहमत रहते थे उनसे, क्यों, क्योंकि धर्मराज के पुत्र थे, वो धर्म निष्ठा से चलते थे। तो मनुष्य को क्या चाहिए, मनुष्य को ये चाहिए कि उच्च कुल का अपमान नहीं करना चाहिए या अवमानना नहीं करना चाहिए, क्यों, अर्जुन तथा उसके परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ है, क्यों, क्योंकि अर्जुन ने उनसे विद्या धनुर्विद्या सीखी थी। तो द्रोणाचार्य की पत्नी के साथ क्या करना चाहिए, करुणा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था। तो यानी कृपी के पुत्र यानी द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, उनके पुत्र को मृत्यु का कारण नहीं होना चाहिए। आप वो कौन बोल रहे हैं, द्रौपदी अर्जुन को बता रहे, मैंने तुम्हारे सर पे उनका लेबल नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा उनका मृत्यु हुआ है। वो समझा रही है, द्रौपदी का वचन निष्कंठ था, निष्कपट था, कोई भी कदम जो है, द्रौपदी जी बोलती है कि कोई भी कदम जो लेते हैं सोच समझ कर उठाना चाहिए,
द्रौपदी के निजी अनुभव है के आधार पर भी यह कहा गया क्या वाहन स्त्री कभी प्रसव पीड़ा नहीं समझ सकती। और क्या बोले थे, द्रौपदी स्वयं माता थी अतः कृपी के शोक वेदना का द्रौपदी को अनुमान था कि अगर इनका पुत्र का वध हो जाएगा तो जिस प्रकार मैं विलाप कर रही हूँ उस प्रकार वो भी विलाप करेगी। तो राजा युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, उन्होंने द्रौपदी का वचनों का सम्मान पूर्वक समर्थन भी किया था, इसलिए वो हर जी। फिर उसके बाद भीम का वध